नमस्कार साथियों, मैं हूं यशपाल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ऑडियो बुक समरी जो है चाणक्य नीति। चाणक्य जिन्हें हम विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था, जिनकी वजह से अलेक्जेंडर को भारत में हार का सामना करना पड़ा था, जो कि दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। चाणक्य ने अपने पूरे जीवन का सार दो किताबों में लिखा गया है, एक है कौटिल्य अर्थशास्त्र और दूसरी है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में ये किताब एक कहानी के रूप में नहीं लिखी गई है, बल्कि पंक्तियों के रूप में लिखी गई है, परंतु इसमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल कूट कूट कर भरा है। तो आओ शुरू करते हैं। ये किताब किसे पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए? जो अपने जीवन में लीडर्स बनना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या टीचर्स हैं, या पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट के सर्वेंट बनना चाहते हैं, या सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, तो आओ शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है, जहाँ किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए, उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं है और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अच्छा मित्र वही है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धन राशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह पर दूध भरा है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ प्यार ना करें। प्रेम और मित्रता बराबर वालों से अच्छी लगती है,
राजा के जहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है, व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है। अब उत्तम गुण वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। एक दुर्जन और एक सर्प में ये अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे ये काम नहीं कर सकते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक उसके माता पिता को जिंदगी भर दुख की अग्नि से जलाता है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती हो और ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ हो ना ही भगवान का भक्त हुआ। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए, राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याहना यानी शादी। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाएं। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है, पैसे वाले आदमी के लिए वेट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के जहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को शिष्य के पाप लगते हैं। एक गधे से ये 3 बातें सीखें, अपना भोजा ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए,
कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी हैं, वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। व्यक्ति नीचे दिए हुए चीजों से संतुष्ट रहे, खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया, लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई बातों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण, परोपकार। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां से जिस जगह से भी निकल जाए लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता कर लें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से जहाँ कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो हाथी के माथे का मानी मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती वहाँ जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो वो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुत खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगा दें यदि ये सो जाएं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खजानची, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, भाग, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख। सुबह उठकर दिन भर जो दाब आप लगाने वाले हैं उनके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं। अपने भगवान के लिए अपने हाथों से चंदन घिसें, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। आप अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है, निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप में निम्न लिखित बातों का त्याग करे। काम, क्रोध,
लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। एक गुणवान व्यक्ति को ये सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली, बलि और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही हैं। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर सब चला ही गया, हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था नहीं दान दिया, नहीं खुद खाया, अभी एक ही पल में कोई हमसे सब छीन कर चला गया। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सुहृद हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से दूरता पूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं, इसका दूसरा भाग, बाकी वाला हम दूसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।